हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि एसडीएम कैसे बने, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, एज लिमिट क्या है, कौन सा एग्जाम देकर एसडीएम बनते हैं, एसडीएम के क्या क्या काम है। तो चलिए सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि एसडीएम क्या होता है, आखिर ये किस तरीके का पद है। दोस्तों, एसडीएम का फुल फॉर्म सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। फ्रेंड्स, जिलों को विभाजित करके उपखंडों या सब डिविजन्स का निर्माण किया जाता है। उपखंडों को एसडीएम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20 के उपखंड 4 के मुताबिक राज्य सरकार एक उपमंडल यानी सब डिवीजन के प्रभारी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकती है। इसी प्रभारी को एसडीएम कहा जाता है। यह एक तरह का उच्च प्रशासनिक पद माना जाता है। राज्य प्रशासनिक सेवा की वरीयता में एसडीएम का पद सबसे ऊपर होता है। दोस्तों, प्रत्येक जिले के सभी तहसीलदार एसडीएम के अधीन कार्य करते हैं। एसडीएम का मुख्य कार्य अपने जिले से संबंधित जमीन से जुड़े हर तरह के व्यापार पर निगरानी रखना है तथा जमीन की खरीद तथा बिक्री का पूरा लेखा जोखा एसडीएम के अंतर्गत ही होता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव को जिले में आयोजित कराना तथा दुकानों तथा वाहनों को लाइसेंस जारी करना आदि कार्यों को करवाना एसडीएम का अधिकार है। दोस्तों, अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एसडीएम बनने के लिए आपका किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। ध्यान रहे कि डिप्लोमा मात्र होने पर आप एसडीएम बनने के लिए परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं और आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम या फील्ड जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग, मेडिकल, होटल मैनेजमेंट से भी कर सकते हैं। अब अगर हम एसडीएम बनने के लिए एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। दोस्तों, कुछ कैटेगरीज के लोगों के लिए नियमानुसार 5 वर्ष की छूट है। जैसे जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए उम्र 21 वर्ष से 40 वर्ष तक है, वहीं एससी, एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए उम्र 21 वर्ष से 45 वर्ष तक है। अब अगर सैलरी की बात की जाए तो एसडीएम की सैलरी हर स्टेट में अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर एक एवरेज सैलरी की बात करें तो इनका मासिक वेतन 56,100 से लेकर 1,32,000 तक हो सकता है तथा जैसे जैसे आपके सर्विस की अवधि बढ़ती जाती है वेतन मान भी बढ़ता जाता है। साथ ही साथ इन्हें अदर फैसिलिटीज़ भी प्रदान करी जाती है। अब हम जानेंगे कि एसडीएम बनते कैसे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन पास करना होगा। उसके बाद आपको एसडीएम पद के लिए होने वाली परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग के लिए आवेदन करना होगा। सभी राज्यों की सरकारें प्रत्येक वर्ष समय समय पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हेतु नोटिफिकेशन जारी करती हैं और जिस समय वैकेंसी निकलती है उस समय आपको आवेदन करना होगा और परीक्षा देनी होगी। दोस्तों, ये परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इन तीनों चरणों को उत्तीर्ण करने के बाद ही मेरिट लिस्ट बनती है। जिस अभ्यर्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में होता है उनका चयन एसडीएम पद हेतु कर लिया जाता है। अब अगर एसडीएम के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की बात की जाए तो उनके प्रमुख कार्य प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य देखना, क्षेत्रीय विवादों का निपटारा, आपदा प्रबंधन देखना, राजस्व कार्यों में भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव करना, राजस्व मामलों का संचालन करना, सीमांकन और अतिक्रमण से जुड़े मामलों को देखना, सार्वजनिक भूमि का संरक्षण भू पंजीकरण कराना, राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कराना, मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना, ओबीसी, एससी, एसटी और जन्म एवं निवास प्रमाण पत्र का काम भी एसडीएम की जिम्मेदारी में होता है। एसडीएम के जिम्मे विभिन्न प्रकार के पंजीकरण, कई तरह के लाइसेंस जारी करना, नवीनीकरण करना जैसे काम होते हैं। एसडीएम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और कई अन्य नाबालिग कृत्यों के तहत विभिन्न न्यायिक कार्य कर सकता है। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको एसडीएम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करी है। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया अपना फीडबैक ज़रूर प्रदान करें।